अपना अपना धंधा में खूब व्यस्त रहते हैं। तो घर यही है, हर बार हर उत्सव में मंदिरों क्यों आना है, हर दिन मंदिरों क्यों आना है, आने का क्या कारण? ठाकुर जी का सुंदर वेश देखना, ठाकुर जी को दर्शन करने से हमारा संसार आसक्ति टूटेगा। आचार्य लोग ने ऐसा मत देते हैं कि उत्सव बहुत आडंबर से होना चाहिए और प्रसाद बहुत आडंबर से होना चाहिए। जैसे भक्त लोग को प्रसाद पाएंगे ना, उनका आसक्ति, अरे मेरा घर में क्या है, इतना गैस नहीं है, ये नहीं है, प्रेशर नहीं है, कुकिंग करने का बाद थोड़ा मिलता है, इधर तो इतना सुंदर भगवान का प्रसाद है, उनका आसक्ति टूटता है। इसीलिए उत्सव को आना चाहिए, हर दिन मंदिर को आना, इसमें संसार आसक्ति धीरे धीरे हमारा घटते जाएगा, घटते जाएगा। लेकिन हम मंदिर को नहीं आते, जहां विनाश होने वाला है हमारे जीवन का कल्याण, विनाश होने वाला है घर गृहस्थी में। इसका मतलब मैं नहीं कहता हूं जो भक्त है वो घर गृहस्थ में रहता है, फिर भी उनका दायित्व है, वो अगर कोई विग्रह रखेगा तो गुरु को पूछकर रखेगा, नहीं तो वो क्या कहेगा, मेरा ठाकुर है, ठाकुर है। पहले आग्रह होता है, ठाकुर जी का सेवा करने के बाद आग्रह होता है, आग्रह का बाद विग्रह आता है, विग्रह आ जाता है, उसके बाद निग्रह होता है, मन में संकेत से ठाकुर को कहाँ आ गया, कहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, ये हुआ वो हुआ, पहले आग्रह उसके बाद विग्रह उसके बाद निग्रह, गला तक आ गया, कैसे छोड़ूंगा गोपाल को, ये सर्वनाश कर दिया मेरा जीवन में। ऐसे डेटी रखने से पहले, विग्रह रखने से पहले गुरु से पूछना है, और जिसका घर मंदिर का पास है वो कभी विग्रह नहीं रखना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी उड़ीसा में कितना भक्त ऐसे रख लेते हैं, ना मंदिर को आते हैं, ना क्लास सुनते हैं, ना कुछ नहीं। ठाकुर जी से वो कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, ठाकुर जी रखा हूँ तो क्या करूँ, ठाकुर जी इधर है ना, गुरु जी का विग्रह है, प्रभुपाद जी का विग्रह है, बस यही इधर ही सेवा करना, यही सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है। और सरलता साधु संसार, इसीलिए चार महीने वो भक्त लोग जो आते हैं ना नवदीप से, भक्त संघ से जो आनंद मिलता है, आनंद घर में नहीं है,